कोमा की बिजली से चलने वाली स्कूटी बाइक स्कूटर का एक विश्वसनीय नाम खरीदने के लिए पधारें कोमा की सिद्ध योगी इंटरप्राइजेज विस्को रिसोर्ट के पास मंडी। जो हमारी पार्टी का पक्ष है, जो ज्वलंत मुद्दे सामने आए हैं चुनाव के बाद, पहला ज्वलंत मुद्दा है जो बहुत से अलग अलग ऑफिसेज चुनावी वर्ष में खोले गए थे, संस्थाएं खोली गई थी, उसके बारे में हम बहुत स्पष्ट है कि जो एक फैसिलिटी लोगों को एक दफा दे दी गई है उसमें प्रावधान था नहीं था वो बात की बात है, उसको प्रॉपर उसकी एग्जामिनेशन हो। ये ऐसा ही नहीं हो सकता है कि बगैर एग्जामिनेशन किए और बगैर जनता को साथ लिए हुए, ये इम्पोर्टेंट है कि जो भी आप कार्य करना चाहते हैं जनता का साथ होना चाहिए। इसलिए यथास्थिति पहले आप मेंटेन करें, जो बंद कर दिए हैं उसको वो खुला रखिए, प्रॉपर एग्जामिनेशन कीजिए, विपक्ष को भी साथ लीजिए और फिर एक एक के ऊपर क्या कमी पेशी है उसको जनता को कॉन्फिडेंस में लेकर ही कार्य होना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। अगर पिछली सरकार ने नहीं किया ये दुर्भाग्य है, लेकिन जनता उसके लिए वो उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए, इन कार्यों से जनता को सजा मिल रही है ऐसा हमारा मानना है, एक बात है ये। दूसरी बात है जो भर्ती का जो ये गफला कल ये पब्लिक सर्विस कमीशन हमीरपुर का अंदर है, जो आपका JAO IT जो 995 का कोड का जो प्रश्न आया है और जिसमें साफ पता लगा है कि वो पेपर बिक रहा था, तो उसके बारे में थरो छानबीन होनी चाहिए। और इससे पहले आपका पुलिस का अंदर हुआ है, लेकिन पुलिस में जो असली लोग हैं उनको नहीं पकड़ा गया। विश्वविद्यालय में समय समय पर शिकायत की गई और जिसकी एलिजिबिलिटी भी नहीं उसकी आपने भर्ती कर दी है, तो वहां भी होना चाहिए। और पब्लिक सर्विस कमीशन में जहां आपने RNP रूल्स बदले हैं, जहां पर आपने मेरिट को दरकिनार किया है, जिस मेरिट के आधार को के ऊपर सिलेक्शन नहीं होती है, सिर्फ वो आपके इंटरव्यू के आधार पर वो सिलेक्शन होती है, वो हमें मान्य नहीं है। उसके RNP द्वारा आपको वो बनाने हैं जो पहले थे, जिसमें मेरिट को किया जाए। और जो पब्लिक सर्विस कमीशन में पेपर करेक्शन को आउटसोर्स कर दिया है, वो भी दुर्भाग्य है। आप पेपर करेक्शन को आउटसोर्स कर देंगे, उसकी मार्किंग को आउटसोर्स कर देंगे तो वो अच्छी बात नहीं है। आप जानते हैं कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो किस तरीके से मार्किंग करेंगे, वो बिक सकता है, वो उसमें हेरा फेरी हो सकती है, तो अगेन वो भी क्या कहते हैं ठीक बात नहीं है। तो इस बात का भी हमने जिक्र किया है। चल रहा है सीमेंट प्लांट का डानी, जो अपने हजारेदारी पैदा करना चाहता है ट्रांसपोर्टेशन को लेकर, 10 दिन का मौका दिया है। हम ट्रांसपोर्ट यूनियन से अपील करना चाहते हैं अपनी व्यापक एकता को बनाए रखें, और सिर्फ अपनी व्यापक एकता नहीं, ये प्रश्न सीमेंट उद्योग और जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उसका मसला नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश की जनता का मसला है। और इसलिए व्यापक जनता की एकता को बनाने के लिए ट्रांसपोर्टर्स पहलकदमी करें, और हम उनको वायदा देना चाहते हैं, उनके साथ वायदा करना चाहते हैं कि हमारी पार्टी उनके साथ कांधा से कांधा मिला के खड़ी रहेगी अगर अडानी वो बदमाशी करने की कोशिश करेंगे। फेसबुक पर पोलस्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।